और फ्रेंड्स कैसे हो सब बढ़िया। सो सबसे पहले आपको हैप्पी ब्रिटिश न्यू ईयर। और जो आज का हमारा वीडियो है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, मतलब आपको मैंने पुराना एक वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने उसको बारे में फुल डिटेल दी हुई है। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। उसके बीच में कोर होती है। तो जो जो वाइंडिंग रहती है प्राइमरी, वो सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं रहती है, उसके बीच में आइसोलेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है। वो एक मैग्नेटिक सर्किट होती है। तो मतलब अगर आप उसको पावर दोगे तो इधर आपको पावर आउटपुट मिलेगा, पर पावर एक सर्किट से दूसरी सर्किट में जादू से पहुंच जाएगा। एक्चुअली जादू से नहीं पहुंचता, वो मैग्नेटिकली अंदर से कपल होती है, लेकिन कोई भी अंदर से वायर एक भी वायर को टच नहीं करता। मतलब इस वाइंडिंग का कोई भी वायर इस वाइंडिंग के दूसरे वायर को कोई भी टच नहीं करेगा, मतलब ऐसे पावर पहुंचता है। तो उसमें क्या रहता है, पावर फ्लक्स लिंक होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके बाद उस तरीके से उसमें पावर जनरेट होता है, ठीक है। तो वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, अगर आपको थोड़ा बहुत पावर ट्रांसफार्मर का नॉलेज हो तो। तो जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके ऑलमोस्ट तीन एप्लीकेशंस होते हैं, एक वोल्टेज को स्टेप अप करना, एक वोल्टेज स्टेप डाउन करना, और एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन देना। मतलब अगर आपकी देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, अगर आप उसको सपोज 10 वोल्ट देते हो तो बार 100 वोल्ट आउटपुट देता है, पर अगर आप 10 वोल्ट देते हो तो अगर 100 वोल्ट पे आपने कुछ लोड लगाया है तो आपका इधर से 10 एम्पियर खींचेगा और वहां पे 1 एम्पियर देगा। मतलब जो वोल्टेज रेशियो चेंज होता है, करंट रेशियो चेंज होता है, मतलब इधर वोल्टेज स्टेप अप होंगे तो करंट स्टेप डाउन होगा, ठीक है। आप उसको उस तरीके से यूज कर सकते हो। अभी दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। सपोज आपने 100 वोल्ट दिया तो इनपुट में, तो आउटपुट में आपको 10 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और तीसरा उसका एप्लीकेशन क्या रहता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, मतलब आइसोलेशन देता है। अभी सपोज आपने आपकी जो दोनों वाइंडिंग्स है दोनों 100 वोल्ट की है, आपने इनपुट भी 100 वोल्ट दिया, आउटपुट भी 100 वोल्ट मिला, तो इसमें फर्क क्या होता है कि सपोज आपको दो सर्किट अलग अलग करनी है तो दोनों सर्किट अलग अलग हो जाएंगे। मतलब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो दोनों वाइंडिंग होती है अलग अलग रहती है, पर उसमें क्या रहता है, कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। तो आपने इधर सप्लाई दिया और इधर से पावर आउटपुट लिया, ठीक है, लेकिन उसके बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गया। तो ये इसके तीसरा एप्लीकेशन है। तो अभी इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो अलग अलग रेटिंग के आते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, पर मेरे पास जो है छोटा सा बिल्कुल ट्रांसफार्मर है जो हम डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ करते हैं। ये प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ होता है, घर पे आपका कोई रेडियो हो, टीवी हो, हर जगह इसका यूज़ होता है। और आपका जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है, मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट। सो ये जो आपका मोबाइल चार्जर की सर्किट है, ये जो है ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होता है वोल्टेज को, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है तो इसमें क्या रहता है कि दो वाइंडिंग रहती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो दोनों के टर्मिनल अलग अलग होते हैं। सो मैंने ऐसा सोचा कि मतलब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो वाइंडिंग के जो दोनों वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल अगर हम कनेक्ट कर दें उसके बाद उसको सप्लाई दें तो क्या होगा, स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, या सीधा बूम धमाका हो जाएगा। सो मैंने ऐसा करके देखा घर पे, तो इसलिए मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है। सो अभी फिलहाल मैं आपको इस नोटबुक के अंदर सर्किट डायग्राम के तरीके से समझाऊंगा, और मतलब उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर अगर नोटबुक पे समझाऊंगा तो आपको मतलब बिल्कुल बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये हमारी नोटबुक है और इस नोटबुक पे मैं आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा ट्रांसफार्मर का। क्या ट्रांसफार्मर का पहले सिंबल ड्रॉ करेंगे। अब शायद क्लियर दिख रहा होगा। ये हो गई इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। इसके टर्न्स ज़्यादा होते हैं, इसके नियर अबाउट 23,000 टर्न्स होंगे जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है उसके बात कर रहा हूँ।
अभी इसको आपने देखा होगा, इसमें मैंने शो भी किया है, इसमें टर्न ज़्यादा बताया, इसमें कम बताया, और इसमें क्या है, ये बीच में एक सेंटर टिप निकला हुआ है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा आपके माइंड में, पर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो कुछ ऐसा दिखेगा ये इसमें क्या रहेगा, ये जो दो जो टर्मिनल्स हैं इसके, ये 230 वोल्ट एसी के हैं, और ये 12012 का ट्रांसफार्मर है मेरे पास। इस पर लिखा हुआ है 12012 अल्टोन, शायद कोई कंपनी होगी पता नहीं, पर इस पर देखो 12012 ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ये जो बीच वाला जो है ये 0 वोल्ट का टर्मिनल है, और ये प्लस 12 है, और सॉरी ये प्लस 12 है और ये माइनस 12 है। मतलब ये 24 वोल्ट मिलेंगे और ये इसके बीच में 12 वोल्ट मिलेंगे और इसके बीच में माइनस 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि मेरा अभी आइडिया ये है, पहले मैं आपको इसमें करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज दूंगा, तो जो सप्लाई का सिंबल होता है वो कैसा होता है, ये एसी सप्लाई का सिंबल है, ये मैं इसको 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई दे रहा हूँ, जो हमारे घर पे आता है वही। मतलब इसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके बीच का कोर, ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये मेटल की जो अंदर पूरी बॉडी दिख रही है इसके, ये पूरा इसका कोर है, ठीक है। ओके सो अभी क्या है, मैं एक बार इसको कनेक्ट करके देखूंगा, फिर इसको डिसकनेक्ट करूंगा, फिर यही टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करके देखा मैंने, फिर इसको अब वोल्टेज मेज़र किया, फिर इसको डिसकनेक्ट करके फिर से इसको इसके साथ कनेक्ट किया। सो मेरे को क्या हुआ पता है, सबसे पहले हम पहले इसको नाम दे देते हैं, ये वायर 1, ये वायर 2, ये वायर 3, ठीक है। सो जब मैंने ये जो ये फेज है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को टच करते तो हमको कभी करंट नहीं लगता है, पर जब फेस को टच करते तो बहुत जोर का झटका आता है। तो इसमें क्या रहता है कि सपोज मैंने कनेक्ट किया ना, तो मैं आपको वारी वारी से दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको इसमें कनेक्ट किया, इसमें सप्लाई दिया ही हुआ है मैंने, और उसके बाद मैंने वोल्टेज किसके अक्रॉस चेक किए, एक वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसा होता है, तो मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक किए, तो ये जो वोल्टेज आया थे ये मेरा 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, ठीक है, एसी, और ये 230 वोल्ट है, तो ये 230 प्लस 24 राउंड फिगर ले लेते हैं 25, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में भी ईजी रहेगा। सो इसमें 230 प्लस 25 255 वोल्ट आउटपुट में देगा, ठीक है। एक्चुअली हमारे घर पे जो वोल्टेज आते हैं एग्जैक्ट 230 नहीं आते हैं, हमारे घर का कुछ लोड ऑन होता है, कुछ लोड ऑफ होता है, इसलिए वोल्टेज फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो हमारे घर के जो वोल्टेज रहते हैं 220 से लेकर 240 के बीच में होते हैं, इसके बीच में वोल्टेज घूमते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे घर पे 235 जितने वोल्टेज आ रहे होंगे, शायद कम आ रहे हों, क्योंकि पता नहीं शायद नीचे किसी ने लोड चालू किया हो नहीं किया हो, मतलब कोई लोड, मतलब कोई भी अप्लायंस, सपोज आप कोई भी अप्लायंस यूज़ करते हो ना, तो सपोज अभी आपका जो पावर आ रहा है आप उसमें वोल्टेज मेज़र करोगे तो आपको 230 बताएगा, ठीक है, जब आपने कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं किया है। जब आपने सपोज आपके घर पे वाटर हीटर है, तो जो रॉड आती है वो, तो सपोज आपने वो कनेक्ट किया तो आपके घर पे 227 वोल्टेज हो जाएंगे, आपने अभी टीवी भी चलाई तो 225 वोल्ट हो जाएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे वोल्टेज कम होकर 223 ऐसे करके वोल्टेज आएंगे, यहाँ 220 हो जाएंगे, उससे नीचे वोल्टेज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है। अभी सपोज आपने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया है तो आपके घर पे 230 आ रहा है, ठीक है। अभी आपने कुछ कैपेसिटिव लोड कनेक्ट किया, सपोज मैंने इसमें डाल दिया कैपेसिटर, मैं दिखाता हूँ, ये रहा कैपेसिटर, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, 235 भी हो सकते हैं, जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, अभी 235 या 240 वोल्ट जितना हो जाएगा, उससे आसपास से रहेगा, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा ये था, तो मैंने इसको किया तो इतने वोल्टेज आएंगे, ठीक है। अब ये आइडिया 1 हो गया, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ।
ठीक है, ये हमारा आइडिया वन। अब आइडिया टू में क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मर है मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ जाना ठीक है। सो अभी ये जो है वायर, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो अभी ये वैसी चीज होगी। अगर अभी इसमें क्या होगा कि ये प्लस 12 वोल्ट है, ये माइनस 12 वोल्ट है ठीक है, और ये 0 वोल्ट है ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो अभी इसमें मैं मेजर करूँगा तो मुझे इसमें कितने बता रहा था, मैं इसमें 15 वोल्ट, चलो ठीक है 12 लेते हैं। तो क्या होगा मतलब 230 इधर माइनस 12 हो जाएंगे तो कितने होंगे इसके अंदर, तो मुझे ये मतलब बताएगा 218 वोल्ट बताएगा, कितने 218 मतलब 218 वोल्ट ठीक है। इसमें 230 बताएगा और इसमें प्लस 12 वोल्ट बताएगा, मतलब इसके अंदर मुझे 242 वोल्ट बताएगा ठीक है। तो ऐसा वो वोल्टेज आउटपुट में देगा। अभी ये हमारा आइडिया टू हो गया ठीक है, आइडिया टू। और आइडिया थ्री में क्या होगा, अभी क्या होगा, इधर सप्लाई मैंने तीनों में दिया ही हुआ है ठीक है। तो जैसा ये है ऐसा सप्लाई दिया ही हुआ है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मुझे ड्रॉ करने में टाइम लगेगा इसलिए, मतलब आपका वेस्ट ना हो इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो अभी जो ये वाला टर्मिनल है वो मैं घुमाकर इधर लेकर जा रहा हूँ ठीक है। तो इधर 230 है, अभी मैं क्या होगा, इधर 12 वोल्ट है, इधर इधर 0 वोल्ट है, इधर माइनस 12 वोल्ट है ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो मेजर करूंगा तो मुझे 24 वोल्ट माइनस करके बताएगा, मतलब नियर अबाउट ये इधर 206 वोल्ट के आसपास बताएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 206 वोल्ट बताएगा क्योंकि 24 वोल्ट माइनस हो गया ठीक है। अभी इसमें कितने बताएगा और 12 काम कर दो आप, तो लगभग नहीं इसमें 230 बताएगा क्योंकि ये वाला टर्मिनल इधर है, मतलब ये सीधा सप्लाई है, तो 230 हो गया। अब इसमें से आप 12 वोल्ट माइनस कर दो, मतलब 230 वोल्ट माइनस 12 तो 218 वोल्ट बताएगा। पर अगर आप इधर और इधर के वोल्टेज मेजर करते हो, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, तो इसके वोल्टेज आएंगे मतलब माइनस 24 वोल्ट होके आएगा, मतलब 206 वोल्ट बताएगा ठीक है। तो ऐसा इसमें होगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अभी हम सप्लाई की तरफ जाएंगे, तो ये हमारा मल्टीमीटर, ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लिया हुआ है ठीक है, और ये एक्सटेंशन बोर्ड सीधा मेरे 230 के सप्लाई पे जा रहा है, सप्लाई चालू है अभी, जब ऑन करूँगा तो ये इंडिकेटर बताएगा कि पावर आ रहा है ठीक है। तो ये अभी जो मल्टीमीटर है इसकी रेंज पहले सेट करनी पड़ती है, ये जो एरो आपको दिख रहा है ये 750 वोल्ट, मैं 200 पे रख सकता था लेकिन जो मेरे जो वर्किंग वोल्टेज है वो 200 से ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा वाली रेंज रखनी पड़ेगी ठीक है। तो अभी मैंने इतने वोल्टेज रखे, इसके मैंने टर्मिनल डाले, एक्चुअली क्या एक हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में सब कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने किया मेरे घर पे अभी देखो 230 मतलब ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है ठीक है, 235 वोल्ट मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं बताता, बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता, पर लगभग 80-90% एक्यूरेट होता है ठीक है। तो सपोज मेरे घर पर 235 वोल्ट आ रहे हैं, 236-235 मान लेते, तो ये जो ट्रांसफार्मर है, अब मैं इसके पहले कनेक्शन कर देता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो मैंने आपको बताया अभी, एक ये वाला फेज में जाएगा, ये न्यूट्रल में जाएगा, और ये वाला जो टर्मिनल है ये सबसे पहले जो फर्स्ट आइडिया था हमारा मैं वो कर रहा हूँ ठीक है। सो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल कनेक्ट कर दूंगा मैं,
तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी इसको मैं सीधा सप्लाई में डालूँगा। तो हम किसी भी वायर को ऐसे बेयर जो कंडक्टर है उसको ऐसे हाथ से टच नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो शॉक लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो अभी ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी एक बात क्या है कि ये जो ये वाला टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल ये सारे इंटरनली कनेक्टेड है, सब पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। और जो ये वाला ये भी और ये वाला, ये सब आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो मैं सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बिकॉज ये जो सर्किट है अभी मैं इसको टू पिन का जो स्विच होता है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी लूज रहेगी, इसमें स्पार्क्स होंगे। तो खतरा काम करने के लिए मैं इधर से ही इसके रीडिंग ले लूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज हमने दोनों की दोनों सर्किट को कनेक्ट कर दिया है। तो अभी ये जो मेरा मल्टीमीटर है उसी रेंज पे सेट किया हुआ है, 450 वोल्ट मैक्सिमम ये मेजर कर पाएगा। और अब जैसे ही मैं सप्लाई चालू करूँगा तो जो एक टर्मिनल है मैं वो इसमें दे दूंगा, ठीक है। जैसे हम इसमें ऊपर वाले से मेजर कर रहे थे, ये ऊपर वाला ही है, देखो ये ऊपर वाला इधर कनेक्टेड है, तो ये मैं इधर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक ये वाला इधर, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो अब ये वोल्टेज प्रॉपर बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। ये वाला टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट किया, और एक ये वाला टर्मिनल के साथ, तो इसमें लगभग 28 वोल्ट जितना आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और एक्चुअली इसकी जो प्राइमरी में है वो 14 वोल्ट आ रहे होंगे 12 की जगह। मैं इसको टच करूंगा, इधर 14 वोल्ट जितना बताना चाहिए, 14 वोल्ट। देखो 13 वोल्ट जितना बताएगा, इसमें 14 वोल्ट बता रहे, ठीक है। तो ये अभी हमारा बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, अभी इसको इधर कनेक्ट करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कनेक्शन थोड़े लूज है, तो थोड़ी सेफ्टी देखनी पड़ेगी। जैसे इसको इधर टच किया मैंने, तो देखो सीधा 266 वोल्ट हो गया, मतलब सीधा वोल्टेज बढ़ गया। हमारे घर पे जो 235 जितने वोल्ट आ रहे थे उसमें से 266 वोल्ट हो गया, ठीक है। अभी इधर टेस्ट करूँगा मैं, तो इसमें से 12 माइनस कर दो तो उतने वोल्टेज आ रहे होंगे, 254, ठीक है, 254 जितने, मतलब नियर अबाउट उतने वोल्टेज है, ठीक है। मैंने बोला जैसे आपको फ्लक्चुएट करता रहता है, अब मैंने सप्लाई बंद किया है, तो अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा और आइडिया टू करेंगे अपन, ठीक है। अब मैं जो ये वाला टर्मिनल है इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी जब मैं इसको सप्लाई दूंगा, जो हमारा आइडिया टू है, ठीक है, आइडिया टू मैंने इसको बीच में दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सप्लाई दूंगा, ट्रांसफार्मर वाइब्रेट कर रहा है, मतलब अभी इसको सप्लाई मिल रहा है। तो अभी एक टर्मिनल इधर, सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के, 0 दिखा रहा है अभी। एक किधर टच कर दिया और दूसरा इधर टच कर दिया, ठीक है। तो इधर टच किया मैंने, तो लगभग 28 वोल्ट जितना आउटपुट आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे, ठीक है। तो अभी एक टर्मिनल इधर तो अभी 14 वोल्ट ही बताएगा, तो अभी पहले इधर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमको मेन आउटपुट चेक करना है, स्टेप कितना अप हुआ है कितना स्टेप डाउन हुआ है, ठीक है। लगभग 14 वोल्ट, एक में 14 वोल्ट ऊपर बताएगा, एक में 14 वोल्ट नीचे बताएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये अभी देखो 235 में से इतने कम कर दो तो इतने हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी वोल्टेज बिल्कुल कम हो गए,
अब मैं इस पर रखूंगा तो वोल्टेज 12 वोल्ट ज़्यादा 14 वोल्ट ज़्यादा ही बताएगा, देखो 254 जितने आ रहा है, ठीक है, इसमें इतना फ्लक्चुएशन है। उसके बाद हमारा थर्ड आइडिया होगा, पहले इसको बंद करूँगा, इसको यूं निकालूंगा, फिर इसको डिस्कनेक्ट करके सीधा लास्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। तो फिर इसको कनेक्ट करेंगे सप्लाई के साथ, ठीक है, अब इसको फिर से ऑन करेंगे, ट्रांसफार्मर वाइब्रेट होना चाहिए तो पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, हाँ वाइब्रेट हो रहा है, उसमें से हमिंग नॉइज आती है, इसकी वजह से भी हमको पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर ओके, मतलब सप्लाई ले रहा है। तो एक वोल्ट एक इधर मल्टीमीटर का, और दूसरा इधर देखो सीधा 209 210 208 इतने वोल्टेज बता रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा उसने 30 वोल्ट माइनस ही कर दिए, ठीक है। अब इसमें 12 वोल्ट ज़्यादा बताएगा, मतलब 226 इतने 14 वोल्ट जितने ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, अभी उधर करूँगा तो सीधा फुल वोल्टेज ही बताएगा 230, ठीक है, मतलब 240 जितने अभी आ रहे हैं, मेरे घर पर लगता है कुछ लोड ऑफ हुआ है, शायद टीवी चल रही थी तो बंद हो गई हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर को कैसे एक अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने सीखा कि ट्रांसफार्मर को कैसे एक नए तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए आप कुछ आइडिया बताओ तो नवे नवे वीडियो भी अपने चैनल पर डालें तो दूसरों को भी सबको नया कुछ सीखने का मिले, इस वीडियो को शेयर करो जिसको लगता है कि आपको कि उसके लिए वीडियो हो है, मतलब जिसको ज़्यादा क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट हो उसको वीडियो शेयर करो, उसको बोलो कमेंट करें नीचे, हर किसी के कमेंट में पढ़ता हूँ, तो अगर आपको ट्रांसफार्मर वाला वीडियो चाहिए वो वाला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बजा के फोड़ दो उसको बटन, ठीक है, वो लाल बटन है उसको क्लिक करोगे तो ग्रे कलर का हो जाएगा, उसके बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर तीन ऑप्शन आते हैं, उसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तो आपको क्या होगा उससे कि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अच्छे एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।